नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज प्रदेश भर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को सातवां दिन है और ये हड़ताल जो है वो लगातार जारी है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है और ये सातवां दिन। पिछले छह दिनों से हड़ताल पर है सफाई कर्मचारी। मांगे पूरी नहीं होने पर हड़ताल बढ़ाने की चेतावनी दी जा रही है। दिवाली भी काली मनाई, दिवाली भी हड़ताल पर ही मनाई कर्मचारियों ने। शहर की सड़कों पर जगह जगह कूड़े के ढेर देखने को मिलने लगे हैं। सफाई व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमरा चुकी है। गंदगी के बीच आम लोगों को भी त्योहार मनाने पड़ रहे हैं और वहीं सफाई कर्मचारियों के और दमकल के जो कर्मचारी हैं उनके त्योहार भी फीके रहे इस बार इस हड़ताल की वजह से। भाई दूज तक जारी रहेगा सफाई कर्मचारियों का ये विरोध प्रदर्शन। हालांकि इसको आगे भी बढ़ाने की चेतावनी वो दे चुके हैं कि अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं, सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं होती है या कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता है तो ये हड़ताल आगे भी बढ़ाई जा सकती है। सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, एक हफ्ता हो चुका है, सातवें दिन में प्रवेश कर चुकी है यह हड़ताल। हाथों में काले झंडे लेकर के, झाड़ू लेकर के विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कर्मचारी। आज नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर हड़ताल 19 से की जा रही है और सरकार जायज मांगों को मान नहीं रही है। समझौता पहले हुआ था, मई में हुआ था, 10 मई को और 28 जून को, केवल मांगी मानी गई बातों को लागू करवाने की बात है, उसको मान नहीं रही सरकार। इसलिए अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल है। अब यह 26 लग बढ़ा दी, उसके बाद भी अगर बात नहीं मानी जाएगी तो बढ़ा दी जाएगी। आज इसी रोज प्रदर्शन करते हुए काली दिवाली नगर पालिका का कर्मचारी मनाएगा और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का इस हड़ताल को, इस प्रदर्शन को पूर्ण समर्थन रहेगा। शहर पूरा गंदा हो चुका है, लोग त्योहार मना रहे हैं और काले झंडे लेकर घूम रहे हो। ये केंद्र सरकार के पाले में, अगर सरकार चाहे तो आज भी हड़ताल खत्म हो सकती है। इन कर्मचारियों की बातों को माने, समस्याओं का समाधान करे। हमें कोई शौक नहीं हड़ताल करने का, प्रदर्शन करने का, काले झंडे लेकर दिखावा करने का कोई शौक नहीं है। ये मजबूरी है कर्मचारियों की, लगातार सरकार के द्वारा वादा खिलाफी की जा रही है, इसको लेकर ही ये रोष प्रदर्शन है, हड़ताल है। और जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक विरोध भी रहेगा, हड़ताल भी। ये हमारी सरकार मांगे नहीं मान रही, इस करके हम काले झंडे दिखाकर अपना रोष प्रकट कर रहे हैं और काली दिवाली मना रहे हैं। क्यों मना रहे हो? ये हमारी मांगे नहीं मान रही सरकार, इतने दिनों से हम हड़ताल पे बैठे हैं तो हमारी मांगे नहीं मानी। चले इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र दहिया हैं फरीदाबाद से, गगन सांगर हैं पिहोवा से और लक्ष वर्मा करनाल से। हमारे तमाम जो संवाददाता वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं। राजेंद्र, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करूंगा, क्या कुछ स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है? गंदगी अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है, शहरों में ढेर लग चुके हैं गंदगी के, एक हफ्ता हो चुका है, सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है फिलहाल? बताऊं शहर की किस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर बनी हुई है, आप देख सकते हैं कि सामने जो है कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं लगातार इन कूड़े के ढेरों से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। तमाम जो मेन रास्ता है ये बल्लभगढ़ से तिगाम कस्बे को जोड़ने वाला और यहाँ से हजारों की संख्या में आए दिन वाहन जो है निकल कर जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कूड़े की गंदगी है जो, उसके ढेर यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे, जिसके कारण न केवल यहाँ से आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बल्कि साफ तौर पर कहें तो जो बीमारियाँ हैं उनका फैलने का अंदेशा भी यहाँ पर बना हुआ है और लगातार लगते इन कूड़े के ढेरों से जहाँ बीमारी फैलने का खतरा बना है तो वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वो किसी भी सूरत में अपना जो धरना प्रदर्शन है उसको समाप्त नहीं करेंगे। तो एक तरह से कहें तो लोगों के लिए काफ़ी परेशानी का सबब जो है ये गंदगी बनती जा रही है और पूरी दीपावली का जो बड़ा त्यौहार है वो लोगों ने गंदगी के बीच मनाने के लिए मजबूर रहे हैं और साफ तौर पर कहें तो कर्मचारी लगातार अपनी हड़ताल पर डटे रहे हैं और कर्मचारियों की अगर बात करते हैं तो उनकी दीपावली भी काली मनी है। काले झंडे लेकर उन्होंने जो प्रदर्शन किया सड़कों पर और कहीं ना कहीं सरकार विरोधी नारे लगाते हुए दिखाई दिए, लेकिन तमाम कवायदों के बीच
साफ तौर पर कहें तो नुकसान जनता को है, परेशानी जनता को कहीं ना कहीं उठानी पड़ रही है। जिस तरीके से गंदगी के ढेरों से लोग गुजर कर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं सड़क पर किस तरीके के गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, और उनसे ही गाड़ियां जो है यहां से निकल कर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए मजबूर हैं। तो कोई भी ना प्रशासनिक अधिकारी और ना ही कोई अन्य व्यक्ति इन बातों से सरोकार रख रहा है, क्योंकि परेशानी लोगों को हो रही है। साफ तौर पर प्रशासनिक अधिकारी भी इस पर कोई संज्ञान नहीं ले पा रहे, क्योंकि तमाम जो सफाई कर्मी हैं वो हड़ताल पर डटे हुए हैं। जी हितेंद्र जी, राजेंद्र आप बने रहेगा हमारे साथ, और भी जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन लक्ष्य वर्मा, करनाल की क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि ये त्योहार वो त्योहार है जब घर में अमूमन साफ सफाई की जाती है, रंग रोगन किया जाता है, लेकिन इस बार त्योहार से पहले ही क्योंकि सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, तो ऐसे में शहरों की स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है, सफाई व्यवस्था चरमराती हुई नजर आ रही है। विकल्प की बात कही जा रही थी, क्या कुछ विकल्प तलाशा गया सरकार की तरफ से, या करनाल की भी ऐसी ही स्थिति? जितेंद्र बिल्कुल बात की जाए, जिस तरीके से करनाल की अंदर बात करें, पूरे प्रदेश के अंदर बात की जाए, करीबन 42,000 ऐसे सफाई कर्मचारी हैं जो हड़ताल पर जा चुके हैं। ऐसे में आज सातवां दिन हो चुका है करनाल का, पूरे प्रदेश के अंदर जहां सफाई कर्मचारी विभिन्न विभिन्न इलाकों के अंदर जो हड़ताल पर बैठे हुए इस समय मौजूद है। करनाल के नगर निगम के कार्यालय के बिल्कुल सामने करनाल जिले के तमाम सफाई कर्मचारी समय हड़ताल पर बैठे हुए। कुछ सफाई कर्मचारी हमारे साथ भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी सीधी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, करनाल जिले के अंदर जो करनाल के उपायुक्त हैं, जो अनदर अधिकारी हैं, वो इस समय कुछ सफाई कर्मचारी के जो लीडर हैं उनके साथ मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लोगों के बीच का हल निकालते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ निर्णय निकल पाएगा वो अभी फिलहाल देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल पहले सीधी बात कर लेते हैं जो सफाई कर्मचारी हैं उनसे, क्या कुछ उनकी प्रमुख मांगे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से दिवाली नजदीक थी, क्योंकि कल ही दिवाली निकली है और अब आने वाले समय में और भी ऐसे विशेष जो फेस्टिवल है वो आने जा रहे हैं, तो ऐसे में क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर सफाई व्यवस्था जो है डगमगाई हुई है, ऐसे में जो अधिकारी है वो बीच का हल, जो बीच का रास्ता है वो निकालते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। क्योंकि मीटिंग जो दौर जो लगातार जारी है, पहले दो दिन की हड़ताल की बात की गई थी, उसमें उसके बाद तीन दिन हड़ताल जरूर बढ़ा दी गई, और ऐसे में जो जानकारी मिल रही है कि कल 12 बजे तक समय दिया गया था, और ऐसे में आज देखना होगा कि क्या कुछ निर्णय निकलता है। सीधी बात करें, क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरीके की व्यवस्था है, क्योंकि शहरों के अंदर व्यवस्था है वो डगमगा चुकी है, काफी शहरों के अंदर कूड़ा है वो काफी हो चुका है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, इस सारी चीज का जिम्मेदार यहाँ का हरियाणा सरकार है। मतलब भाजपा सरकार जब से आई है तभी से आंदोलन के दौर बढ़ते जा रहे हैं। आप ये देखो, एक भी वर्ग को ऐसा नहीं बचा कि जो आंदोलन पे, एक भी विभाग, एक भी कर्मचारी ऐसा नहीं जो इनसे दुखी हो। हम ये कहते हैं कोई आज हम नहीं मांग रहे, हम सरकार से वही मांगे मान रहे हैं जिनके लिए हम काफी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, जिनके ऊपर सरकार मान भी रही है, कई बार समझौते भी हैं, कई बार आंदोलन भी हुए हैं, उसके बाद उनसे बातचीत भी हुई है, सरकार ने माना है कि हाँ भाई हम कहीं ना कहीं कोरोना काल में इनको 50,000 रुपए देने की बात उन्होंने की। कहा है वो बात? रिस्ट अलाउंस की बात उन्होंने कही थी, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात कही थी उन्होंने, कितनी मांगों के ऊपर हमारी सहमति बनी है, लेकिन आज तक कोई बात नहीं है। एक बार फिर नगर पालिका तमाम कर्मचारी, पूरे हरियाणा कर्मचारी, हायर ग्रेड के कर्मचारियों के साथ साथ दोबारा फिर आंदोलन पे, और पिछले 2 महीने से आंदोलन पे, कितनी बार सड़कों पे आंदोलन कर चुके हैं, कितने बार ज्ञापन दे चुके हैं, कितने बार एमएलए और विधायक को, कितनी बार मीटिंग और एजेंडे के ऊपर उनकी बातचीत हो चुकी है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं तक समझ नहीं है। एक तरफ जहां मोदी जी दलितों के पैर धो के पीने का जो काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दलितों के ऊपर अत्याचार करना जा रहे हैं। एक तरफ जो सरकार कहती है कि दिवाली है, दिवाली पे कहीं ना कहीं इनको मान देना चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि ये दिवाली, ये वही दिवाली है श्री राम जी जब अपने देश लौटे थे, और ये दिवाली आती तो ये सरकार कहीं ना कहीं श्री राम का नारा ले रही है, और ये श्री राम जी के वंशज भी तो है, वाल्मीकि जी के वंशज, जिन्होंने इतने पहले रामायण लिख दी थी उनके बारे में बता दिया था, आज वो श्री राम जी का नाम भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं सरकार के जाते में अपनी बार नहीं आएगी। आज हमें सातवां दिन हो चुका है, पूरे प्रदेश का 42,000 कर्मचारी और पूरे देश से खड़े हुए हड़ताल पे, हम सरकार को ये सताना चाहते हैं जब तक हमारी मांगों को पर सहमति नहीं होगी कि हड़ताल इसी तरीके से जारी रहेगी। बात कीजिए, जिस तरीके से लगातार बाजारों के अंदर देखा जा रहा है, दिवाली पर हम खुद अपने घरों के अंदर सफाई करते हैं, मगर जिस तरीके से सफाई कर्मचारी अपने खट पर आ चुके हैं कि हम जो है व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पाएंगे, बात की जाए जिस तरीके से मीटिंगों का दौर जारी है लगातार अधिकारी को, क्या कुछ निर्णय निकल पाएगा और क्या कुछ आगामी कार्रवाई रहने वाली है? देखिए, हमें कोई शौक नहीं है हड़तालों पे जाने का, हमारे रिश्ते भी
स्कूलों में पढ़ते हैं वो भी सफाई चाहिए उनके लिए। हम नहीं चाहते भी क्या है कि त्योहारों के फेस्टिवलों के अपने सुचारू रूप से काम ना हो, हम भी चाहते काम करें, हम गरीब आदमी हैं, हम भी एक काम करके ही निर्भर होते हैं। अगर समय रहते सरकार हमारी मांग के बच्चे कर्मचारी को पक्का करना, जिलेवारी मुख्यमंत्री ने कहा था एक कलम से नगर पालिका नगर परिषद नगर निगमों के अंदर टेक का प्रथा एक कलम से खत्म कर दिया गया था, मगर टेक का प्रथा को फिर दोबारा से माननीय मुख्यमंत्री इसमें चल रहा है। ये मिलीजुली जो हमारे अधिकारी लोग हैं इनसे मिलजुल के फिर टेक का प्रथा कर चला रहे हैं, वही रेट चल रही है। हम तो ये कहते हैं जो हमारी माननीय अनिल जी से हमारी मांग हुई थी 2018 में 16 अगस्त और एक 24 मई का समझौता था, उसमें सारी मांगे मान्य गई थी और हमारी मांगों को जायज बताया गया था। जायज मांगों को उनका नोटिफिकेशन जारी करिए, प्रपत्र जारी करिए और हमारी मांग क्या है बच्चे कर्मचारी को पक्का करना जो सौतेला बाहर है। जब कोरोना आ रहा था देश के अंदर तो ये फ्रंट लाइन के कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी। आपको लग नहीं रहा जो आम पब्लिक है वो कहीं ना कहीं पिछली नजर आ रही है आपके साल के बीच में? ऐसे है, आम कर्मचारी सब थे, उनको पता है तो ये गरीब आदमी जो कोरोना काल में नहीं पीछे थे, अब तो इनका ये तो मजबूर सताए गए कर्मचारी है, सताए गए कर्मचारी है। इस वक्त तो हमारा 1-2 रुपया जो सलाना तो सबसे मैनेजमेंट फेस्टिवल था, ये जो देते थे लोग अपनी खुशी से देते थे वो भी हमारा मर गया। हम इतने अगर अब सरकार कहती है बकाया कर्मचारी, हम बकाया कर्मचारी नहीं है, हमारी जी बेटियां जवान होगी हमारे ना, तो हमारा कोई मरने के उपरांत कोई नौकरी आरक्षी को नौकरी है और ना कोई हमारा कोई विश्व बीमा है, वो कुछ नहीं दे रहा हम, वही यही हमारी जायज मांग है। अगर समय रहते सरकार हमारी मांगों को नहीं पूरा करती तो पूरा का पूरा 41,000 कर्मचारी होगा जिसकी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। मैं राजकुमार, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, राज का शक्ति। सब किस तरीके से देख रहे हैं क्योंकि 7 दिन हो चुके हैं, आगामी क्या रणनीति है? अधिकारी ये लगातार जो मीटिंगों का दौर जारी है, कुछ क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए हम जो है ना अभी दिवाली पे जो है ना खट्टर साहब अपनी कोठी पे आए थे करनाल और वो खूब धूम धड़ाके से दिवाली मना के गए, दिवाली मना के ले गए, 3 कर्मचारियों की खाली दिवाली मन रही है। तो खट्टर साहब को चाहिए भाई इनके साथ बैठ के बात करें, कोई भी हड़ताल करता है उसका जो है ना नोटिस दिया जाता है, पहले गेट मीटिंग होती है पूरे हरियाणा के अंदर, उसको जो है ना 2-3 महीने पहले बताया गया था। तो जो है ना खट्टर साहब ने हमारी बात की सुनाई नहीं करी, लेकिन उसका बयान यह है खट्टर साहब का भाई हमारे को कोई सूचना नहीं है, खट्टर साहब का बयान है कि हमारे पास कोई सूचना नहीं है। तो मुख्यमंत्री को सूचना ना हो ऐसा कभी हो नहीं सकता। हमारे कर्मचारी जो कोरोना काल के अंदर कीड़े पड़े हुए कुत्ते उठाते हैं और कोरोना काल में जो बंदा मर जाता है उसको हम अपने हाथों से उठाते हैं, आकर जो है उसका संस्कार करते हैं। कोरोना काल योद्धा तो हमारे को मान लेते हैं लेकिन उनको जो अधिकार है वो देना नहीं चाहती सरकार। तो बिल्कुल, ये सफाई कर्मचारी थे, इसके साथ साथ जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वो भी लगातार हड़ताल पे, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लक्ष्य मैं आऊंगा आपके पास, लक्ष्य आप बने रहिएगा हमारे साथ, मैं आऊंगा आपके पास, और भी जानकारी आपसे लेंगे। अभी मुख्यमंत्री भी कुछ आरोप लगा रहे हैं कि कुछ लोग इनको उकसाने का काम कर रहे हैं, उस पर भी जानकारी लेंगे इन तमाम लोगों से। लेकिन गगन सांगर भी हमारे साथ बने हुए हैं पिहोवा से। गगन, वहां पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है लगातार जिस तरीके से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है? जितेंद्र, बात की जाए तो आज 7वां दिन है सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर, और जिस तरह से फायर के कर्मचारी भी लगातार पूरे प्रदेश के अंदर जो है अपनी हड़ताल को लेकर बैठे, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो शहर के अंदर जो है सफाई व्यवस्था डगमगाई हुई है, और देख सकते हैं कि इस समय हम पिहोवा नगर पालिका में मौजूद है और सफाई कर्मचारी जो है अपनी हड़ताल को लेकर बैठे। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं पूरा करेगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। देख सकते हैं कि मेरे साथ जो कर्मचारी भी मौजूद है उनसे भी जानना चाहूंगा, लगातार जिस तरह से 7वां दिन आज सफाई कर्मचारी और अगर फायर के कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर, तो अभी तक कोई भी जिस तरह सरकार के द्वारा कोई बातचीत किया देखा जाए तो कर्मचारी भी जो प्रशासन के द्वारा भी लगातार बातचीत करने की अपील की जा रही है, तो क्या कहेंगे? देखिए अभी तक इस सरकार की तरफ से हमारे पास किसी भी प्रकार का बातचीत का कोई भी निमंत्रण नहीं आया है। कल जैसे एक न्यूज आई थी कि मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारे राज्य के नेता हैं अगर कोई बातचीत का जो निमंत्रण होगा वो उनके पास से आएगा, लिखित में आएगा, तो ये सिर्फ एक अफवाह है।
और उल्टे ये अफवाह फैलाई जा रही है कि हरियाणा में जो हड़ताल का असर नहीं है, पूरे हरियाणा में हड़ताल हुई हुई है, जो 100% हड़ताल है और पूरी तरह से सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, पर सरकार उसकी तरफ ध्यान न देकर कर्मचारियों का शोषण करना चाहती है। और हम बताना चाहते हैं कि सरकार ने कई जगह बल प्रयोग किया है जिसको कर्मचारी बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। हम शांतिपूर्वक अपनी मांगे मनवाने के लिए बैठे हैं। अगर सरकार इस आंदोलन को दबाना चाहेगी तो यह आंदोलन एक उग्र रूप धारण कर लेगा, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। और जिस तरह से कल काली दिवाली जो कर्मचारियों के द्वारा मनाई गई है, तो क्या कहेंगे? हाँ, कल पूरे हरियाणा में कर्मचारियों के द्वारा काली दिवाली मनाई गई है, जिसका पहले से ही हमने घोषणा की थी। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हरियाणा का जो कर्मचारी है वो सड़कों पर उतरेगा, प्रदर्शन करेगा और काली दिवाली मनाएगा। और पूरे हरियाणा में कल कर्मचारियों के द्वारा काली दिवाली मनाई गई है। और ये आंदोलन हम पहले भी कह चुके हैं, या तो सरकार हमारी मांगे मान ले, नहीं तो हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे। इस बार ये लड़ाई आर्या पार की होगी। और बिल्कुल इसके अंदर देखिए बात की जाए तो साफ तौर पर इनका यही कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं पूरी हो जाएगी तब तक जो है आंदोलन जारी रहेगा। और देखा जाए तो फायर के कर्मचारी भी पूरे प्रदेश के अंदर जो है धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से देखा जाए तो त्योहारों का सीजन है और जगह जगह पर तमाम जो ऐसी जगह है जो शहर की मुख्य सड़कों पर जो है कूड़े के जो ढेर है जो देखने को मिल रहा है। और देखा जाए तो जिस तरह से त्योहारों का सीजन चलता है और कहीं ना कहीं हर एक जगह सफाई की व्यवस्था देखने को मिलती है, लेकिन कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से जो पूरे शहर के पूरे प्रदेश के अंदर जो है कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, शहर में जिस तरीके से अगर बात करें सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और सरकार से बातचीत नहीं बन पा रही है। लेकिन राजेंद्र दहिया अगर बात करें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आप दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें आपने दिखाई जिस तरीके से वहां पर गंदगी फैल रही है, उससे निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि कर्मचारी और सरकार के बीच में पिस आम आदमी रहा है, अगर ये इसी तरीके से गंदगी फैलती रही तो बीमारियां फैलनी शुरू हो जाएंगी। बता दूं कि सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई भी पहल यहां पर नहीं दिखाई दे रही है। और साफ तौर पर कहें तो तमाम शहर गंदगी के ढेरों से अटा पड़ा है, लगातार लोगों को भारी परेशानी हो रही है। और साफ तौर पर कहें तो जैसे दीपावली का पर्व था उसको लेकर भी लोगों में काफी रोष बना हुआ था और तमाम जो लोग हैं इस गंदगी के कारण परेशान रहे, उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हमारे साथ एक युवा है, यहीं के रहने वाले हैं, कितनी परेशानी हुई है साफ तौर पर कहें तो युवा है जो वो कह रहे हैं कि उन्होंने कई बार शिकायतें भी की लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। जबकि जब हड़ताल पर कर्मचारी हैं तो प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पर कोई फौरी तौर पर व्यवस्था उनकी तरफ से की जाए, लेकिन व्यवस्था की बात अगर करते हैं तो व्यवस्था पूरी तरह से खराब नजर आती है। तमाम आप देख सकते हैं आगे तक पूरा रोड जो है गंदगी से भरा हुआ है और हजारों वाहन आए दिन यहाँ से गुजरते हैं। तमाम बच्चे हैं, चाहे स्कूली बच्चे हैं या अन्य लोग हैं जो अपने गंतव्य तक जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ये केवल एक जगह का हल नहीं है, तमाम शहर में इस तरह के ढेर लगे हुए हैं जिनके कारण लोगों को परेशानी हो रही है, साथ ही बीमारी फैलने का भी खतरा बना हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करते हैं कर्मचारियों की, कर्मचारी जिस तरीके से लगातार अपनी मांगों को लेकर पिछले कई सालों से आवाज उठा रहे हैं, बार बार बातें भी सरकार और कर्मचारियों की होती है लेकिन वो बात आखिर कहाँ बिगड़ती है? क्यों आखिर जब त्यौहार होते हैं तभी ये प्रदर्शन क्यों होते हैं? लोगों को परेशानी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? इसका जवाब देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। जी हितेंद्र जी, राजेंद्र बिल्कुल तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो अलग अलग जगहों पर जिस तरीके की जो स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, राजेंद्र दहिया, लक्ष्य वर्मा और गगन सेगर ने अलग अलग जगहों से ग्राउंड जीरो से जो जानकारी पहुंचाई और